दोस्तों आप लोग को ये मेथड कोई भी नहीं सिखाएगा। ये देखो हमारा प्रोफेशनली ईमेल क्रिएट हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो umarrahman@theRateofEngineer.com। प्रोफेशनल ईमेल कैसे क्रिएट करें वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक प्रोफेशनल ईमेल को क्रिएट करेंगे। इस ईमेल के लोग बहुत से पैसे लेते हैं आप दोस्तों से, और वो ईमेल आप लोग के लिए फिर वो फ्री बनाता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ कि आप लोग खुद किस तरह एक प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री। इस ईमेल से आप लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल मॉडर्न जमाना है। जब आप लोग किसी को ईमेल करते हो और आप लोग का जो ईमेल है वो प्रोफेशनली ना हो तो आप लोग को कोई भी रिस्पांस नहीं देता। अगर आप लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हो या आप लोग अमेजोन करते हो तो आप लोग को ज्यादा पता लग गया होगा। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप लोग लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोग को इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने बहुत गौर करना है, अगर आपने इस स्टेप को गलत किया तो आप लोग कभी भी प्रोफेशनल ईमेल नहीं बनाओगे इस पैरामीटर से, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग को कोई भी नहीं सिखाएगा। आप बहुत कोशिश करो, जब आप इस गलती को सही नहीं करते तो आप लोग का कभी भी प्रोफेशनल ईमेल नहीं बन सकता। दोस्तों वो गलती क्या है, सब लोग आप लोग को डायरेक्ट कहता है कि आप लोग अपने गूगल में जाओ और गूगल में आप लोगों ने डायरेक्ट mail.com को सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने गूगल को ओपन किया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक जीमेल ओपन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें जो भी करता हूँ तो मेरा ये जीमेल इससे कनेक्ट है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है अपने प्रोफाइल पर। इस पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गेस्ट लिखा है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। मोबाइल में भी आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोग का कोई भी ईमेल वगैरह इसे कनेक्ट ना हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी हमने गेस्ट को ओपन किया। गेस्ट क्या होता है, एक अकाउंट होता है, प्री अकाउंट होता है, इसमें कोई भी ईमेल वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने mail.com को सर्च करना है। जब आप लोग यहाँ से करते हो mail.com तो यहाँ पर आप लोग का mail.com सब कुछ होगा, लेकिन आप लोग जब भी ईमेल क्रिएट करते हो वहां पर एरर आप लोग के सामने शो होगा। तो सिंपली आप लोगों ने इस गेस्ट को ओपन करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है साइन अप, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस ईमेल में आप लोग 60 लाख से ज्यादा ईमेल सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के सामने इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं mail.com रजिस्ट्रेशन क्रिएट योर ईमेल अकाउंट। यहाँ पर हमने अब ईमेल सेलेक्ट करना है, जो भी ईमेल आप लोग चाहते हैं अपने आप के लिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये टॉप चॉइसेस है। यहाँ से आप लोग अपना नाम लिखो, यहाँ इस तरह से आप लोग अपना नाम लिखो और यहाँ से आप लोग अपना ईमेल सेलेक्ट करो। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने umar@theRateofEngineer.com लिखा तो यहाँ पर आया दिस ईमेल एड्रेस हैज ऑलरेडी बीन असाइन, कि ये पहले से असाइन हो गया है। तो इसमें आप लोग को सजेशन दिया है कि इसमें से कोई सेलेक्ट करो, लेकिन हम क्या करते हैं हम दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर यूएसए है, माई सेल्फ है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, अकाउंटेंट है। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों ने अपनी नीच के रिलेटेड इस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक के रिलेटेड जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं, ये भी नहीं है। तो चलो हम पूरा नाम लिखते हैं अपना, हमने पूरा नाम लिख दिया। अब हम देखते हैं तो ये देखो दोस्तों ये अवेलेबल है, हमें ये मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जेंडर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम को लिखना है इस तरह से। नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों ने अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करूँगा, इस तरह से आप लोग भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रांग पासवर्ड को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रांग पासवर्ड। तो मैंने स्ट्रांग पासवर्ड को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग अपनी फोन से करते हो तो यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। अगर आप लोग अपनी जीमेल से इस ईमेल को क्रिएट करते हो तो सिंपली आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, हम अपने ईमेल से करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डालता हूँ,
ईमेल को लिखने के बाद सिंपली हम नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस कैप्चे को आप लोगों ने फिलअप करना है इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक करते हैं। जब आप लोग इस अकाउंट में एग्री पर क्लिक करते हो तो आप लोग के पास एरर आ जाएगा कि आप लोग का टेक्निकल एरर है। तो जब आप लोग इस गेस्ट से करते हो तो आप लोग के पास कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। चलो आप लोग के सामने हम अब दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट है दोस्तों। ये देखो दोस्तों आप लोग को ये मेथड कोई भी नहीं सिखाएगा। ये देखो हमारा प्रोफेशनली इमेज क्रिएट हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो rahmat@engineer.com। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैंने आप लोग को फ्री में दिखा दिया कि आप लोगों ने किस तरह एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा एक्टिवेट योर अकाउंट नाउ। तो सेम भी हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास mail.com ओपन हुआ। अब हम इसमें जब भी हम किसी को ईमेल करते हैं या हम ईमेल रिसीव होते हैं तो यहाँ पर हमें शो होगा दोस्तों इसका, ये जो mail.com है, सिंपली आप लोग अपने मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर सर्च करो mail.com, तो आप लोग के पास एक ऐप आ जाएगा। इसका ऐप है प्ले स्टोर में, तो वहाँ पर आप लोग अपना जो ये ईमेल है पेस्ट कर सकते हैं और अपना ईमेल ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा ईमेल, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास इनबॉक्स है। जब भी हमें कोई मैसेज आता है तो यहाँ पर हमें शो होगा कि आपको मैसेज आया है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखो दोस्तों हमें आया, थैंक्स फॉर साइन अप, हेलो रहमान, ग्रेट यू हैव अनब्लॉक्ड। तो यहाँ पर हमारा प्रोफेशनल ईमेल बन गया दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, अगर आप लोग किसी को मैसेज करते हैं तो सिंपली आप लोगों ने कंपोज ईमेल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ईमेल है। तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करो, अगर आप लोग इस तरह से सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करो। ये देखो इस तरह से मैसेज आएगा, फिर आप लोग अपना नाम को मेंशन करते हो तो आप लोगों ने इस तरह सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप लोग किसी को भी जब आप लोग ईमेल करते हो तो यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ईमेल जाता है या नहीं। तो मैं लिखता हूँ अपना ईमेल, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेकिंग ईमेल, और यहाँ पर मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये लिख दिया। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस सेंड पर क्लिक करता हूँ। आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ अब दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों हमारा ईमेल सेंड हुआ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारा ईमेल सेंड हुआ है या नहीं, और हम दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो दोस्तों हमारा जो ईमेल है वो सक्सेसफुल सेंड हुआ है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं आप लोग के लिए इस तरह अच्छे अच्छे ट्रिक लाता हूँ इस चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोग को इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू दोस्तों।